आदियोगी शिव को आम तौर पर हमेशा स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि उनका सृजन किसी विशेष पल में नहीं हुआ है, उनका सृजन किसी विशेष स्रोत से नहीं हुआ है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। इसीलिए शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है। जो नहीं है वो एक विशेष समय पर घटित नहीं होता, वो किसी चीज के जरिए घटित नहीं होता, वो बस मौजूद होता है। इसीलिए शिव थे। सृष्टा ब्रह्मा आए और उन्होंने सृजन शुरू किया, तो अनेक आकाश गंगाएं, ग्रह, जीव, इंसान, ये सभी उनसे निकले। सृष्टि का चक्र शुरू हो गया और शिव जो स्थिर बैठे थे ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि को देखने लगे। जब उन्होंने सृष्टि को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग स्तरों पर तमाम तरह के संघर्षों, पीड़ा, दुख, कष्ट से गुजर रहे हैं। यहां वहां थोड़ा बहुत सुख और खुशी थी। तो जब उन्होंने ये देखा, उन्हें सृष्टि अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा को अपनी सृष्टि पर बहुत गर्व है। वो बहुत ही गर्व और खुशी से अपनी सृष्टि को देख रहे थे। फिर उन्हें लगा कि दो आंखें पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इस ओर देखने के लिए एक और सिर पैदा किया। वो किसी चीज से चूकना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने एक और सिर पैदा किया, फिर एक और, फिर उन्होंने एक पांचवा सिर पैदा किया जो उनके गर्व के लिए एक ताज की तरह था। किसी खास चीज को देखने के लिए नहीं, बस एक और सिर को ताज की तरह पहनने के लिए। When Shiva saw that this Brahma is so gloating, जब शिव ने देखा कि ब्रह्मा ऐसी दुख भरी सृष्टि को देखकर इतने खुश हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो ब्रह्मा पर झपटे और उनका पांचवा सिर उखाड़ दिया। अब उनके पास सिर्फ चार हैं। ब्रह्मा पीड़ा से कराते हुए बोले, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो शिव ने कहा, क्या आप अपनी बनाई सृष्टि को लेकर शर्मिंदा नहीं हैं? हर कोई दुखी है, लोग तमाम तरह के संघर्षों से गुजर रहे हैं, लोग कई तरह के दुख, पीड़ा और कष्ट भोग रहे हैं। ब्रह्मा बोले, मैंने पीड़ा को नहीं बनाया, न ही मैंने खुशी बनाई है, मैंने बस सृष्टि बनाई है। ये उनके ऊपर है कि वो इससे कैसे गुजरते हैं, ये उनके मन में है। फिर शिव ने कहा, मन को किसने बनाया? वो भी आपने बनाया। ब्रह्मा बोले, मन का अपना कोई गुण नहीं है, वो सिर्फ मौजूद है। लोग उसे खुशी में बदल सकते हैं या दुख में, लोग उसे कष्ट में बदल सकते हैं या परमानंद में, ये उनके ऊपर है। फिर शिव बैठकर बहुत ध्यान से सृष्टि को देखने लगे। उन्होंने हर जीव को ध्यानपूर्वक देखा और फिर अपने मन को जानना चाहा। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ही सृष्टि, अपने मन की प्रकृति को देखने लगे। और जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, जब उनका आत्मज्ञान एक विशेष संपूर्णता पर पहुंचा कि वास्तव में सृष्टि गुणहीन है, हर व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, मन गुणहीन है, जब उन्होंने ये ज्ञान पा लिया तो वो इतने आनंद विभोर हो गए, इतने आनंद विभोर कि वो उछलने और नाचने लगे। He danced wildly out of his joy and ecstasy. वो खुशी और परमानंद से मदहोश होकर नाचने लगे। जब वो बेतहाशा पूरी भागीदारी के साथ नाच रहे थे, जब उनके शरीर की हर कोशिका अपने आप में एक नृत्य बन गई थी, तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि ये नृत्य भी जरूरी नहीं है। और उन्होंने ध्यान दिया कि उनके नृत्य के चरम पर पूर्ण स्थिरता थी, तो वो एक सन्यासी की तरह शांत और बिल्कुल स्थिर होकर बैठ गए। कहते हैं कि वो स्थिरता इसी दिन घटित हुई। महाशिवरात्रि की रात को ऐसा हुआ था। परमानंद की तीव्रता से संपूर्ण विनाश और स्थिरता
उन्होंने बारी बारी से ये दोनों चीजें की। आप इसी कल्पना चित्र को देखते हैं, कभी वो नृत्य करते हुए और उल्लासमय होते हैं, कभी बिल्कुल स्थिर जैसे किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। जब हम शिव को विनाशकर्ता कहते हैं तो इसका मतलब दुनिया का विनाश नहीं है, इसका मतलब आपकी दुनिया का विनाश है। आपकी दुनिया मुख्य रूप से पिछले अनुभवों और प्रभावों का एक ढेर है। अतीत सिर्फ आपकी विचार प्रक्रिया से होकर वर्तमान में घुस रहा है और वो आपकी इच्छा प्रक्रिया के जरिए खुद को भविष्य में पेश कर रहा है। जिसे आप अपनी इच्छा कहते हैं वो मूल रूप से अतीत का एक बढ़ाया चढ़ाया गया रूप है। इसलिए अतीत का विनाश जरूरी है, क्योंकि अगर आप सृष्टि की भव्यता को जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ वर्तमान में मौजूद पल से ही संभव है, जो अभी यहां है। एकमात्र रास्ता यही है। पूर्ण स्थिरता में अतीत का अस्तित्व नहीं होता, पूर्ण गति में भी अतीत का अस्तित्व नहीं होता। ये दो मूल मार्ग हैं जिन्हें शिव ने खोजा ताकि आप सृष्टि और सृष्टि के स्रोत तक पहुंच सकें।